फाइनली हम लोग काबोदरामा व्यू पॉइंट में पहुंचे हैं। यहाँ पे क्राउड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, और ये एक पॉइंट है बहुत बढ़िया सा, एक प्रॉप बनाया है जहाँ पे लोग आके अपना व्यूज़ के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। ये जो टूरिस्ट है स्लो स्लो चल के जा रहे हैं ये व्यू को एंजॉय करने के लिए। सामने व्यू देखो कितना सुंदर है ना। तो ये काबोदरामा फोर्ट आप जो विजिट कर रहे हो ये बीच का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पे भी आना चाहिए और ये प्लेस आके ये व्यू के लिए एक आधे घंटे बैठ के व्यू एंजॉय करके जा सकते हो। हम लोग ये टूर स्टार्ट किए थे पालोलिम बीच से, पालोलिम बीच टू आगोंडा बीच गए। आगोंडा से हम लोग अभी निकल रहे हैं काबोदरामा फोर्ट के लिए। ये साउथ गोवा के और एक फेमस प्लेस है, ये भी आपके साउथ गोवा टूर में इंक्लूड रहेगा। सो ये जो रास्ता दिख रहा है ना ये काबोदरामा फोर्ट के लिए रास्ता है। ऐसे पूरा कोस्टल बेल्ट से आप जाओगे आगोंडा बीच से लेके काबोदरामा फोर्ट तक। साउथ टूर आप अपने स्टेप टू ट्रैवल के कार से कर सकते हो, योगेन जी रहेंगे, पूरा प्लेस उनको दिखा रहा हूँ, उनको पूरा प्लेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहेगा, आपको सारे प्लेस प्रॉपर तरीके से घुमा के आपको लेके जाएंगे। स्टे करना है तो पालोलिम में हमारा अभी एक होटल टाइप हुआ है, आगोंडा में भी एक होटल टाइप होगा, उसका भी ऑप्शन दे देंगे आप अगर स्टे करना चाहते हो। स्टे अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में बिल्कुल सुनसान है। स्टे क्या बोल रहे हो योगेन जी, स्टे करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से स्टे आप नहीं करना चाहिए। पालोलिम वन टाइम ओके है, पर आप नॉर्थ में ही स्टे करो, टूर करके जाओ, सीजन के टाइम पे कर सकते हैं। हाँ, सीजन के टाइम पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेगा, हैपनिंग होगा उस टाइम, आप साउथ गोवा में एक या दो नाइट के लिए स्टे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक अच्छा टेम्पल दिखा मुझे, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। चलो सो ऐसा है, ये रास्ता सीधा सीधा काबोदरामा फोर्ट के लिए जाएगा, ऐसे ही रोड में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ, आप साउथ गोवा के अगर टूर कर रहे हो ना डे टाइम पे करके चले जाइएगा। ये तो क्या है, आप देख सकते हो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, घर भी है तो प्रॉपर आपको गैरेज वगैरह नहीं मिलेगा। सामने एक जो लोकल बस ये चल रहा है, गैरेज वगैरह नहीं है, अगर बाइक या कार ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकता है। आप अपने कार रेंट करके आए हो, बाइक से तो काफ़ी रिस्की है, तो ये ध्यान रखिएगा डे टाइम में कोई ना कोई हेल्प मिलेगा, रात के टाइम पे मुश्किल हो सकता है। तो रात तक आपको इतना दूर रुकना नहीं है, आपको जल्दी प्लेस को निपटा के फिर रिटर्न जाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल नैरो रोड से आप जाओगे, तो बने रहिएगा, ऐसा पूरा जंगल के रोड से हम लोग निकलते हैं। काबोदरामा फोर्ट में पहुँच के वहाँ का व्यू दिखाते हैं। इस दौरान काबोदरामा फोर्ट का व्यू नज़ारा मस्त रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, दिखाते हैं। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि सीजन के टाइम पे, नॉर्मल सीजन पे काफ़ी सुंदर दिखता है, और अभी तो ग्रीनरी और बड़ा रहेगा और जो व्यू दिखेगा ना बहुत अच्छा व्यू रहेगा, दिखाता हूँ बाद में, रुक जाइए। ये देखिए ये जो है ना ये छोटा सा जो रोड गया है ये साइड से ये कोला बीच को जाता है। अभी हम लोग हैं काबोदरामा के एरिया में, काबोदरामा फोर्ट के जो विलेज एरिया, यहाँ पे आपको सारे स्टोर और रेस्टोरेंट के एरिया आपको ऐसे छोटे छोटे मिलेगा, ऐसे शॉप आपको दिख रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे होममेड फूड टाइप के रेस्टोरेंट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक जनरल स्टोर है, ये ओपन है, यहाँ पे एक राधा रेस्टोरेंट करके है। तो खाने पीने का ऐसे आपको घर का खाना ही ऑप्शंस रहेगा, बड़ा बड़ा यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये हिल टॉप एरिया में है, बिल्कुल टॉप एरिया, और सामने है काबोदरामा का व्यू पॉइंट। ये देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और फोर्ट आगे है, वो साइड में फोर्ट है, आपको दोनों दिखाता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे स्टे का ऑप्शंस लिमिटेड है, केप गोवा करके एक रिजॉर्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का रिजॉर्ट और महंगा भी है, तो आपको अगर स्टे वगैरह करना है तो कर सकते हो, पर प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी फेमस भी है वो केप गोवा, क्योंकि एक ही एग्जैक्टली एंट्रेंस पे है केप गोवा करके, अपने रील्स वगैरह देखा रहेगा। बाकी खाने पीने का ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेगा, छोटा छोटा जो जनरल स्टोर रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा रहेगा, इसमें ही आपको खाना पीना लेना रहेगा। ये काबोदरामा फोर्ट को जाते वक्त ऐसा कुछ विलेज टाइप के एरिया और शॉप, यहाँ पे एक जनरल स्टोर प्लस वाइन स्टोर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको रूट भी दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया लगे आप कैसे ट्रैवल करोगे, तो ताकि आप अगर आ रहे हो बाय ओन, वाओ ग्रीनरी देखो कितना सुंदर दिख रहा है, बाय वन आओगे तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से,
नहीं, ये जनरल स्टोर है, वाइन स्टोर कम जनरल स्टोर। यस, हम फाइनली अभी हिल टॉप एरिया में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, देखो ये भी कुछ बंद है कुछ ओपन है, ये साइड में रेस्टोरेंट एरिया है। वाह, यहाँ से देखो फील्ड व्यू क्या मस्त सुंदर दिख रहा है, ये साइड में पूरा ग्रीन एरिया और सामने एग्जैक्टली काबोदरमा फोर्ट के मेन व्यू पॉइंट है यहाँ पे, मस्त है। और लेफ्ट साइड में, ये साइड में ना, ये साइड में फोर्ट है, फोर्ट पे जाएंगे, व्यू और फोर्ट दोनों दिखेंगे। और राइट साइड के ये कॉर्नर में काबोदरमा बीच है, बीच बहुत दूर है और ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो ज़्यादा करके स्किप करते हैं। ये वाला यहाँ पे कैप गोवा और व्यू आपको दिखाता हूँ, ये साइड में ये देखो, ये आओगे ना यहाँ से लेफ्ट, हम अभी पहले लेफ्ट फोर्ट पे जाएंगे, आके बाद में ये व्यू पॉइंट को देखेंगे। ये साइड में लेफ्ट, यहाँ से लगभग 300-500 मीटर में काबोदरमा फोर्ट आएगा, फोर्ट और पेबल बीच उसके बगल में है, पेबल बीच, ये दोनों साथ में ये भी विजिट कर सकते हो। और आते वक्त, रिटर्न आते वक्त आप ये व्यू पॉइंट में फोटोशूट रील वगैरह करके जा सकते हो। मोर मोर ऊपर देखा कितना है, मोर है वहाँ पे खेत में, 6-7 है। इस दौरान, बारिश के दौरान दिखेंगे आपको, रिटर्न आते वक्त आपको दिखाता हूँ मोर, यहाँ पे 6-7 मोर बैठे हुए थे। तो ऐसा रूट है। यस, फाइनली अभी हम पहुँच रहे हैं काबोदरमा फोर्ट पे। ये जो सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट दिख रहा है ये फोर्ट है, फोर्ट के एंट्रेंस है। हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और फोर्ट के अंदर जाएंगे, आपको दिखाता हूँ, टाइमिंग वगैरह सब दिखाऊंगा, कब ओपन क्लोजिंग टाइमिंग सारे आपको दिखाऊंगा। ये जो एरिया दिख रहा है ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल सारे पार्क किए गए हैं। ये देखो ये सारे टूरिस्ट व्हीकल, ये है फोर्ट सामने आपको दिख रहा है, ये वाला फोर्ट है, अंदर चलते हैं, रुक जाइए, पार्क करते हैं और उसके बाद फोर्ट के अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लोग तो है काफ़ी, टूरिस्ट है अभी। यस गाइस, ये है काबोदरमा फोर्ट का पार्किंग एरिया है, गाड़ी आप यहाँ तक लाओगे, बाइक और कार यहाँ पे पार्क करोगे, और ये एंट्रेंस है, ये काबोदरमा फोर्ट का एंट्रेंस आपको दिखा रहा हूँ। चलो काबोदरमा फोर्ट आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाता हूँ ये वीडियो में। ये भी आपका साउथ टूर के दौरान इंक्लूड रहेगा, ये है, ये देखो ये फोर्ट का एंट्रेंस। यस गाइस, फाइनली एंट्री, यहाँ पे एक चेक इन है, फोर्ट ये साइड में है, ये कॉर्नर में ना काबोदरमा फोर्ट का जो मेन पार्ट है ये साइड में है, ये साइड में एक छोटा सा चर्च है, और पेबल बीच जो है ना ये कॉर्नर से है, तो बीच आपको बाद में लेके जाता हूँ, बहुत सुंदर बीच है। और पूरा ये फोर्ट एरिया है, आप देखो ये पूरा फोर्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया, ये साइड में ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होगा, एक आईडी कार्ड यहाँ पे चाहिए होता है। अब अगर फैमिली में आ रहे हो तो एक आईडी आपको देना रहेगा, आईडी देके आपका नाम और चेक इन चेकआउट टाइमिंग वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद आप एंटर करोगे। ये देखिए ये फोर्ट का व्यू आपको दिखा रहा हूँ एक बार, कैसे प्रॉपर फोर्ट नहीं है, फोर्ट का जो बाउंड्रीज है ये ही बचा हुआ है, ये सारे जो आर्किटेक्चर है ना, ऐसे जो फोर्ट के बाउंड्रीज ये बचा हुआ है प्रॉपर, जो आपको घर या फोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सारे डिस्ट्रॉयड है। पर यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद ना वहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, यहाँ पर ऑलरेडी टूरिस्ट है, जैसे आप देखोगे ये साइड में, ये देखिए ये साइड में ऑलरेडी टूरिस्ट है, फ़ोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा अरेबियन सी का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा आपको ट्रैक करके ऊपर जाना होता है, स्टेप्स है, स्ट्रेट है, ये स्टेप्स से चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आप पोज करके देख लेना है ना, जो भी लिखा हुआ है ये सारे क्या है आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसे आपको चढ़ के जाना पड़ेगा ये ऊपर, ये देखिए ऐसे स्टेप्स से चढ़ के जाना पड़ेगा, फोर्ट है तो चढ़ना तो ज़रूरी है, तो ये है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, अपने फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, हम भी आए हैं। यहाँ से भी नीचे से एक अच्छा व्यू है, ऊपर से भी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। पहले मैं आपको नीचे वाला व्यू दिखा के लाता हूँ और उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर भी आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, देखिए ये सारे फोर्ट के आर्किटेक्चर है, ये सारे टूटा हुआ है पर ऐसे देखेंगे, ये साइड में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अरेबियन सी। ये कॉर्नर में एग्जैक्टली वो कॉर्नर में काबोदरमा बीच है, यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है, वहाँ जो व्यू पॉइंट आपको बताया था वहाँ से ट्रैक करके आपको उधर बीच पे जाना पड़ता है, अभी बंद रहेगा फिलहाल। व्यू ऐसा है, ऊपर जाएंगे ऊपर से और व्यू आपको दिखाता हूँ, अच्छा व्यू ऊपर से व्यू आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ जस्ट व्यू के लिए और फोर्ट एरिया में आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, स्लीपरी होता है तो पैर वगैरह स्लिप होने का चांसेस है, यहाँ पे लोग रहेंगे, यही एक पॉइंट है
काबोदरामा फोर्ट का, जहाँ पे फोटोशूट वगैरह होता है। ये देखिए फोर्ट का इतना ही एरिया, बाकी जैसे मैंने आपको बताया था ये ओनली बाउंड्रीज है। वहाँ पे एक एंट्री का घर है और फोर्ट का ये एरिया है। यहाँ पे आके आप ये व्यू ऐसे फोटोशूट वगैरह कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा। मैं भी थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, पर आओगे आके ये व्यू के लिए एक आधे घंटे बैठ के व्यू एंजॉय करके जा सकते हो। शाम के टाइम अच्छा व्यू रहेगा, आज मौसम भी अच्छा है। अभी जस्ट हल्का हल्का सूरज निकला, नहीं तो सुबह से बारिश हो रहा था। ऐसा मौसम रहेगा तो आके ये नज़ारा एंजॉय करके आप जा सकते हो, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बैक साइड में एक बीच है, पेबल बीच, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से निकलेंगे जल्दी से वो बीच को कवर करके जाएंगे, और बाकी कुछ नहीं, जस्ट व्यू है। फ़ोटो निकालो, रील निकालो, निकलो यहाँ से, यही आपको मिलेगा। चलो ये गाइस, तो फोर्ट साइड हम लोग विजिट कर लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं ना ये साइड में, ये साइड में पेबल बीच है, एक छोटा सा रॉक बीच है, ये आपको दिखाता हूँ। और ये छोटा सा चैपल आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोशूट होता है ये लोकेशन में, ये देखिए। और ये जो बगल से ये गया है ट्रैक छोटा सा, यहाँ पे पेबल बीच की ओर जाता है, ये भी हम लोग विजिट करेंगे। दिखा के लाता हूँ, ये पूरा सराउंडिंग एरिया आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये साइड में एरिया जो दिख रहा है ना, ऐसा ही है, फोर्ट के जस्ट बाउंड्रीज है, और बाकी फोर्ट के अंदर ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, बाकी पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है, ऐसे ही आपको दिखेगा। ये साइड में फुल डेंस फॉरेस्ट है। बाकी ये देखिए, यहाँ से जो ये कपल जा रहे हैं, यहाँ से आगे पेबल बीच है, ये भी आपको दिखा के लेके आता हूँ। बिल्कुल आ रहे हो तो ये भी प्लेस आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए, ये साइड में चल के जाना। पर बारिश नहीं है इसलिए मुझे शूट करके आपको डिटेल में दिखाने का अच्छा मौका मिला है, दिखाते रुक जाइए। यस गाइस, तो फाइनली आज हम ट्रैक कर रहे हैं, काबोदराम फोर्ट में ट्रैक कर रहे हैं, पेबल बीच की ओर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बीच नीचे तो अलाउड नहीं का, बंद रहेगा, मानसून में बंद रहता है, पर व्यू आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। और सीज़न के टाइम पे आ रहे हो तो बिल्कुल नीचे तक भी जा सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्लेस है। मेरे साथ आगे भी लोग हैं, पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट है, जो कि ये बीच को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। ये सामने जो पूरे ये फोर्ट के एरिया है, ऊपर भी आप देखोगे ना, ऊपर भी वो साइड से लोग चल के जा रहे हैं। ये जो फोर्ट के बाउंड्री है ना, वहाँ से आप चल के जा सकते हो, ऐसे राउंड मार सकते हो, एक व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। और कुछ खास है नहीं, बस जस्ट बंद है, ओपन है, बोर्ड है, ये है काबोदरामा पेबल बीच, नीचे एक छोटा सा रॉक बीच है। कितना दूर तक जा पाएंगे ये जाएंगे और आपको दिखाता हूँ। आइए, ऐसे छोटा सा ट्रैक होके आपको नीचे जाना पड़ेगा, स्लीपरी रहेगा थोड़ा, आराम से ये नीचे तक ओपन है, लोग गए भी है। ऐसे नीचे आपको ट्रैक करके जाना होता है बीच के लिए। यहाँ पे एक शॉप है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक नाश्ता पानी मिल जाएगा। ऐसे छोटा सा ट्रैक कर करके नीचे तक जाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा ये रॉक बीच है, यहाँ पे पानी में तो जाना नहीं मिलेगा, पर हाँ जाके व्यू वगैरह एंजॉय करके आ सकते हो। बाकी व्यू ऐसा कुछ है, इसका नाम है पेबल बीच, रॉक बीच करके जाना जाता है, काफ़ी बढ़िया है। लोग नीचे तक गए, नीचे जाके बैठ के सामने समुंदर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। शंकर जाना है तुझे? चल शंकर बोले जाएंगे, चल तो नीचे तक जाएंगे और आपको दिखाता हूँ। अभी मैं शंकर को फॉलो कर रहा हूँ, आ जाओ। तो प्लेस एक्सप्लोर करना है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्लिपरी रहेगा, बारिश हो रहा होगा तो स्लिपरी होगा, तो ध्यान दे के आपको नीचे उतरना है, ठीक है? ऐसे ये देखिए द पेबल पॉइंट करके लिखा है, ये पेबल बीच नाम है, इसकी वजह से पेबल पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर एक छोटा सा शॉप बना रहे ये लोग, मेरे ख्याल से चाय पानी नाश्ता पानी के लिए ऐसा शॉप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे नाश्ता पानी आपको मिल जाएगा, ये रेस्टोरेंट टाइप का एरिया बना रहे हैं लोग, यहाँ पे इनका ऑलरेडी है। ये व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फूड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्या क्या फूड मिलेगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको टेंडर कोकोनट, लाइम सोडा, नींबू पानी, वाटर बॉटल, मैगी वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ये रेस्टोरेंट छोटा सा रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे ये सारे खाने पीने का ऑप्शन मिलेगा। पानी अपने को ज़रूरत पड़ेगा,
आते वक्त पानी लेंगे। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये जो टूरिस्ट है स्लो स्लो चल के जा रहे हैं ये व्यू को एंजॉय करने के लिए। सामने व्यू देखो कितना सुंदर है ना। तो ये काबोदरामा फोर्ट आप जो विजिट कर रहे हो ये बीच का ऑप्शन सबको मिल रहा है, अब बिल्कुल यहाँ पे भी आना चाहिए। और ये प्लेस फोटोज के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस है, और फोटोशूट के लिए ना यहाँ पे इन्होंने प्रॉप एक डिज़ाइन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कोकोनट शेल का कुछ इन्होंने प्रॉप बनाया हुआ है, ये स्पेशल फॉर फोटोशूट, लोग वहाँ पे जाके फोटोज़ वगैरह शूट करते हैं। ये देखिए रील्स और फोटोशूट के लिए इन्होंने बनाया है, फ्रेम टाइप बनाया है, उधर जाके आप कर सकते हो। लोग जाएंगे मेरे ख्याल से फोटोशूट करेंगे, और नीचे तक जा सकते हो ऐसे नीचे आपको ट्रैक करके, या फिर ये साइड से भी नीचे ट्रैक करके जा सकते हो। पानी में यहाँ पे तो नहीं जाना है, बहुत रिस्की होता है क्योंकि पूरा पत्थर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये छोटा सा एरिया है, उधर फोटोशूट करो। और ऐसे और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग यहाँ पे ये देखिए ऊपर से ट्रैक करके आ रहे हैं। इसका सराउंडिंग आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, जाके आप पेबल बीच का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एक भाई फ़ोटोशूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कपल से अपना, सारे लोग अपने अपने फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं। अब जस्ट एक नज़ारा एंजॉय करो। तो ये एक फ्रेम है, यहाँ पे आपको पीछे जो दिख रहा है ये अरेबियन सी के साथ आपको एक फ्रेम मिलेगा, यहाँ पे फ़ोटोशूट कर सकते हो। फ़ोटोशूट करो और व्यू आप एंजॉय करो, और छुप गए ये साइड में। चलिए सो इनको अपना फ़ोटोशूट कर लीजिए, हम निकलते हैं दूसरे प्लेस के लिए। ये था पेबल बीच काबोदरामा फोर्ट के और एक ऑप्शंस, उसके बगल में पेबल बीच आपको दिखाया। यहाँ पे अभी के टाइम पे कुछ टूरिस्ट है जो कि अपना फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हो तो ये सारे नींबू सोडा वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, पानी बोतल वगैरह आपको मिलेगा। नीचे उतरते वक्त अच्छा था, ट्रैक थोड़ा ऊपर जाते वक्त है। ठीक है चलो निकलते हैं यहाँ से। ये देख रहे हो व्यू, मैं ये ट्रैक से आया हूँ। हम लोग जाते वक्त ऐसे गए थे, नीचे से ये एंट्रेंस है, यहाँ से नीचे ये चर्च के बगल से ये नीचे से हम लोग ये पेबल बीच को गए थे, और मैं ये साइड से आया हूँ जो कि इसका बाउंड्री एरिया है। ऐसा जो फोर्ट के बाउंड्री है ना, ऐसे वॉकिंग पाथ है, ये साइड से आओगे ना ऐसे आपको जगह जगह में इनका जो एरिया है ये ऐसे मिलेगा, तोहफे उस ज़माने के तोहफे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। बाकी फोर्ट के नीचे जाओगे तो फोर्ट ऐसे सारे सिक्योर किया गया है, ये एंट्रेंस के एरिया है। ये देखिए ये फोर्ट के एंट्रेंस एरिया है, जहाँ पे वहाँ पे पार्किंग है, और फोर्ट के बाहर ही खड्डा, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए हर फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ताकि इन्वेटर जो होते थे आक्रमणकारी वो आसानी से नहीं आ पाए, इसकी वजह से ऐसे बनाया जाता है फोर्ट को ऐसे सिक्योर करने के लिए। बाकी ऐसे कैनन तोहफे वगैरह हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों के मन में रहेगा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मेरा फीडबैक क्या है, आप अगर नेचर लवर हो, आपको व्यूज़ पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, और ऐसे साइलेंट नेचर एंजॉय करना पसंद करते हो तो ये प्लेस आप लोगों के लिए है। फोर्ट खास कुछ इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ खंडर है ऐसे बाउंड्री से फोर्ट के, जस्ट आपको व्यू बहुत सुंदर है। ये व्यू के वजह से ही ये फोर्ट जो फेमस है, काबोदरामा फोर्ट से अरेबियन सी का व्यू अच्छा दिखता है, इसके वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, मोहित होकर यहाँ पे आते हैं, अपना व्यू एंजॉय करते हैं, फ़ोटोशूट रील्स वगैरह शूट करके यहाँ पे जाते हैं। तो ये प्लेस बिल्कुल आपके लिस्ट में होना चाहिए। टूर कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम लोग ये ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि बीच साइड छोड़ के आपको फोर्ट का भी ऑप्शन देते हैं, ताकि आप ऐसे व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, ये एंट्रेंस के एरिया है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, आगे और एक प्लेस है, वो है काबोदरामा के व्यू पॉइंट, जहाँ पे मोस्टली वहाँ पे वीडियोस रील्स वगैरह वहाँ शूट होता है। बने रहिए वहाँ पे, चलते थक गया अभी ट्रैक कर करके, है ना। यस गाइस, तो काबोदरामा फोर्ट के बाद ना आपको अभी एक व्यू पॉइंट में लेके चलती, आप आ रहे हो तो बिल्कुल आपको विजिट करना चाहिए। ऑफ रोड है, ऐसे ऑफ रोड में गाड़ी स्लो आपको लेके जाना है, पर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से व्यू वर्थ इट है बिल्कुल। और केप गोवा रेस्टोरेंट जो ये सामने है, सामने का फील्ड व्यू आप देख रहे हो कैसा है, बिल्कुल गाड़ी से आ रहे हो तो थोड़ा संभालना पड़ेगा, पूरा बिल्कुल ऑफ रोड है। द केप गोवा रिजॉर्ट एंड बार एंड रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ये साइड में हम जाके आए अभी अपना काबोदरामा फोर्ट के लिए। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे है, ज़्यादातर फोटोज वीडियोस यहाँ पे शूट होता है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बाहर से, देखिए गाड़ी जो देख रहे हैं ये सारे टूरिस्ट व्हीकल है, और वहाँ पे एक प्रॉप है जहाँ पे फोटोशूट काफ़ी होता है, यहाँ पे रील्स वगैरह अपने काफ़ी देखा रहेगा तो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ये प्लेस, ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है
फाइनली हम लोग काबो दे रामा व्यू पॉइंट में पहुंचे हैं। यहाँ पे क्राउड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, और ये एक पॉइंट है जो रिजॉर्ट वाले ने मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक प्रॉप बनाया है, जहाँ पे लोग आके अपना व्यूज़ के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और ये सामने का व्यू देखें कितना सुंदर दिख रहा है, ये है अरबियन सी व्यू, मस्त है। आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग देखो पागल जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं।